अरे राजनीति अपनी जगह है, राज की नीति अगर अच्छी होएगी किसी राज की तो राज आगे बढ़ेगा। उस पर ज्यादा टिप्पणी आज नहीं करूंगा, आज का विषय नहीं है। मुझे हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मुझे शायद 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़े, तब राजनीति की बात भी करेंगे। लेकिन आज के दिन तो यही कहूंगा कि जब आदमी विकास का काम करता है, जैसे हम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र फाउंडेशन कर रहा है, पिछले 6 साल में हमने इस इलाके में सैकड़ों करोड़ों के काम किए करवाए, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि हमारी फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ के युवाओं को जो कुछ हम काम कर सके, उनको खेल का, पढ़ाई का, उनको आगे बढ़ने की प्रोत्साहन देने का, उसमें मेरे को बहुत सबसे ज्यादा खुशी है। तो ये काम हम आगे भी करते रहेंगे। जैसे मैंने पहले वाले भाई के प्रश्न का जवाब दिया, ये कारवां शुरू हुआ था, चलता रहेगा। ये पहले 5 काम लिए थे, अगले अब 5 काम कोई ढूंढ करके लेंगे और आगे चलता रहेगा। लेकिन राजनीति में अपना प्रतिनिधि चुनने का एक तरफ से आपको अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी एक जवाबदारी भी है कि आप अच्छा प्रतिनिधि चुन करके भेजें। यदि अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे और फिर वो प्रतिनिधि आपका काम नहीं करे, तो आप कोई किसी को ब्लेम देने का या किसी को बुरा बुरा कहने का अधिकार भी खो बैठता है। अगर आप मत दोगे, अच्छे आदमी को चुन के भेजोगे, तो आपके विकास का काम, आपके हलके का काम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। मेरा एक अंतिम सवाल था, प्लीज उत्तर दे दीजिए। आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीति बड़ी है या व्यापार? राजनीति बड़ी या व्यापार? नहीं, ये इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एप्पल और चीज, दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो एक व्यवसाय है, प्रोफेशन है। राजनीति जो बनी थी, वो राजनीति बनी थी कि राजनीति में जो लोग जाए, जो लोग रहे, वो निस्वार्थ पब्लिक की सेवा करें। लेकिन वो एक समय ऐसा गुजरा है जिसमें कि वो हुआ नहीं हमारे देश में। लोगों ने राजनीति को भी व्यापार बना लिया, और यही कारण है कि आज आप पूछ रहे हैं कि राजनीति बड़ी कि व्यापार बड़ा। लोगों ने राजनीति को व्यापार बना लिया, तो इसको अलग रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन नमस्कार सर, सर मेरा विक्रम मीडिया अम्बेडकर दिल्ली से। सर बात को सर, सर मैं 1 मिनट चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट रिक्वेस्ट है मेरी। सर आपने तो हमारे इलाके के लिए बहुत कुछ किया है, उसी लिए मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि गांव की सफाई, युवाओं को आगे ले जाना, शिक्षा सतर्क उठाना, इसमें काम करते हुए हमें जैसे गाँव खेमपुर के अंदर बहुत परेशानी आ रही है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करें? खेल का ग्राउंड नहीं है, ऐसी बहुत सी स्कूल के अंदर लाइब्रेरी नहीं है, तो रास्ता नहीं मिला सर, किसकी तरफ जाएं, क्या करें? और गांव के अंदर ऐसी कई बार स्थितियां पैदा हो जाती है कि मन इतना आहत हो जाता है कि क्या करें, या ये करें या ना करें। आपने पहले भी मेरे को स्टेज पर आकर के बात कही थी, खैरपुर के लोगों ने, एक ही बात कहूंगा, अच्छा साथी चुनिए। साथी अगर अच्छा होगा वो आपको दिशा दे करके आगे निकाल के ले जाए। मैं 6 वर्ष पहले जब यहां आया था, तब भी मैंने यही बात कही थी कि काम आप लोगों ने सबने करना है, बुजुर्गों ने, माताओं ने, भाइयों ने, युवाओं ने, और खास करके इस इलाके में आप खैरमपुर से आए हो, तो मेरे इस 5 गांव के युवा साथियों से बात करो, इनके साथ बैठो, आपको पता लगेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की हमारे युवा साथियों ने।
डेवलपमेंट का अपने गांव में खुद मेरे युवा साथियों ने किया और मैं तो साथी हूं, काम आपको करना, एक अच्छा साथी चुन लो, आपका काम हो जाए।